नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात में आपका स्वागत है। इस समय मैं राजधानी लखनऊ के अलीगंज सेक्टर एम में स्थित हूँ। अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे 4 साल की एक बच्ची अनंजा, जिसकी एक कार से दुर्घटना से मौत हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो गली है जिधर से कार आई और लड़की इधर। बेटा साइड में जो ये लड़की के चाचा हैं, क्या हुआ था जरा आप पूरा हमको बताएंगे क्या क्या हुआ था? यहाँ पे लड़की बैठी, ये देखो यहाँ पे, और ये गाड़ी स्कूल से लाए और हम लोग पहली लाइन की लड़की बैठी तो जो मर जाएगी वो भी मर जाएगी वो भी देखा जाएगा। अच्छा, ये जो कार के ड्राइवर थे उनका नहीं, वो मालिक खुद ही लड़का उनका लड़की गाड़ी और ये लड़की थी, ये तब की मालिक। क्या नाम आपका? सुषमा है। क्या हुआ था, आप पूरी कहानी बताइए, कैसे गाड़ी के लड़की के ऊपर चढ़ी? कैसे वो आगे खड़े थे गाड़ी लेके, वो वाले अंकल देखे कि बच्ची गाड़ी है, उसको हटा दीजिए फिर जाइए, बोले उसको पीछे, वो बोला हम जब तक देखे देंगे तब तक वो आगे गाड़ी चढ़ा रहे, फिर पीछे से चढ़ वहीं पे, उसका वो वहीं पे खत्म हो गया। वहाँ पे नहीं खत्म हुई थी, वहाँ भी साथ चली थी, वहाँ भी साथ। ये देखिए यहाँ पे लड़की थोड़ी देर यहाँ पे जो प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार ये एक्सीडेंट नहीं, ये एक मर्डर जैसा लोग बता रहे हैं। बाकी यहाँ पे लोग गाड़ियाँ तेज चलाते हैं, इसकी सूचना कई बार विकास नगर थाने पुलिस को दी जा चुकी है, उसके बावजूद पुलिस की तरफ से कोई भी हरकत नहीं की गई और उसका खामियाजा आज एक 4 साल की बच्ची जिसका नाम अनंजा है उसकी मौत से चुकानी पड़ी लोगों। और अगर अब भी विकास नगर पुलिस, विकास नगर थाना इस बात पर नहीं चेतती है तो आगे और बच्चों की जाने जाएंगी, उसमें आपका भी बच्चा होगा, हमारा भी बच्चा होगा। धन्यवाद। बिना पंचनामा के जो है पुलिस वालों ने जो है बिना पंचनामा पे साइन किए कल, तो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनकी एक और शिकायत आई है। जी बताइए। रीदा अस्पताल जब पहुँचे वहाँ पे, वहाँ पे पंचनामा पत्ता दबाव पुलिस बना रही थी, लेकिन वहाँ पार्टी नहीं मानी तो अपने जबरदस्ती से मेडिकल कॉलेज आए। पार्टी वहाँ पे क्यों? पार्टी लड़की पक्ष, लड़की पक्ष खत्म हो गई है, सभी लोग थे लेकिन जो है अपने मन तो क्या क्या रीजन हुआ यहाँ पे, क्यों पंचनामा नहीं हुआ? हमने ये कहा था कि जो है पहले कार्रवाई अपनी करिएगा, उसके बाद पंचनामा होता है, लेकिन बिना कार्रवाई करे ही जो है उन्होंने मेडिकल कॉलेज। ये देखिए प्रत्यक्ष दर्शी की बात है। और हाँ, ये कुछ बता दीजिए, 20,000 रुपया। अच्छा, ये जिन्होंने अभी एक बच्ची की जान ली है उसकी कीमत 20,000 रुपये लगा दी। ये देखिए, ये इन्हीं की लड़की है, क्या नाम है आपका? ये किरण जी हैं, इनकी 4 साल की बेटी अनंजा जो अभी अभी थोड़ी देर पहले वो यहाँ से गुजर चुकी है। तो क्या आप चाहते हैं इस पर कार्रवाई करें? नहीं भैया, हम कार्रवाई करेंगे। ये देखिए, ये चाहती हैं कार्रवाई। आपको क्या लगता है, एक्सीडेंट था या फिर ये ओल्ड मर्डर? मर्डर हुआ है, ये भैया मर्डर आप नहीं। यहाँ पे एक साथ सारे प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ये पे एक्सीडेंट नहीं, एक मर्डर। हमारी लड़की यहाँ पे बैठी थी, यहाँ से इतनी जगह नहीं थी, गाड़ी थोड़ा कौन सी मारी लड़की है। हाँ, यहाँ बैठी थी, यहाँ से किसने एक्सीडेंट का उसका प्रूफ है? सब है, सब है, प्रूफ, घर बकरी सब जानकारी। और क्या जी, इधर आ जाइए आप, ये कुछ बोल रहा है। क्या नाम है आपका? राजेश गुप्ता। ये राजेश गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं? अरे, इनकी लड़की का क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ एक्सीडेंट? ये कह रहे हैं एक्सीडेंट कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जानबूझ के गाड़ी चलाई। ये आपका क्या?
कहाँ पे चढ़ाई गई इसका पहले निर्णय ले। यहाँ पर निर्णय ये कितने चढ़ाई कितने चढ़ाई इसका नाम दीजिए आप। उनका नाम नहीं जानते हैं, मकान का जानते हैं। उसका सारा कारोबार अच्छी कारोबार हर चीज है। इनका कहना है कि उसमें कार्रवाई हो, जिसमें अच्छी बात हो हर चीज है जी। लेकिन आप इसकी पहले फोटो लीजिए। उसकी फोटो ले चुकी हमारी, हो चुकी है, हर चीज हो जाती है। लेकिन जब ये टूटा फूटा है, कोई बाइक चला रहा है, अपने बच्चों खुद संभाले। पहले तो आपने बताया कि वो अपने बच्चे खुद संभाले ना। ऊपर मोबाइल गलत बात है। यहाँ से इसका जिसे ठोका उसको कार्रवाई करिए, सख्त सख्त कार्रवाई करिए, सख्त सख्त कार्रवाई करिए। नहीं आपने बताया भी कि अपने बच्चे खुद संभालें, सख्त सख्त कार्रवाई हो। इस समय जहाँ पे अभी 4 साल की बुढ़ा बच्ची उस पर गाड़ी चली थी जिसकी मौत हो चुकी है, उसी के ठीक सामने अंकल जी हैं, उनकी दुकान है। अंकल जी आपकी कब नज़र पड़ी जब गाड़ी चल चुकी थी, जब बच्ची चले, जब बच्चे जो आपको क्या लगता है? लेकिन मोबाइल आगे रखिए। लापरवाही थी गाड़ी वाले। ये होनी थी हो गई। अंकल जी का कहना है, ये प्रत्यक्षदर्शी है, उनकी दुकान रहती है, दिन भर यही बैठे रहते हैं। अरे तो एक पहिया निकल के दोबारा तो देखती। माता जी का कहना है कि एक पहिया कार का अगर उसके ऊपर चढ़ गया था दूसरा। नमस्कार, स्वतंत्र भारत में आपका स्वागत है। अभी अभी एक घंटे पहले एक बच्ची का कार का एक्सीडेंट हुआ। इस समय हमारे साथ कार के ड्राइवर थे, उनके भाई। क्या नाम है आपका? दीपक जी हैं। आपका क्या कहना है? वहाँ पे लोग बता रहे हैं कि कार बच्ची पे चढ़ाई गई। नहीं, आपको आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि अगर कार ये बच्ची पे चढ़ी होती तो जो चला रहा वो रोकता भाई। इतना कोई स्पीड नहीं, क्योंकि छोटी छोटी वो गलियाँ ही हैं वहाँ पे। ये बच्ची कैसे गिरी, क्या अगर कार पे आती तो कार पे स्पॉट होता, कोई ना कोई चीज़ का ही सबूत होता। बट क्या कॉलोनी वालों का बस यही कहना है, यहाँ से गाड़ी अपना वो गुजरी है और बच्ची का हादसा हुआ है। अगर कार उसके ऊपर वो चढ़ती तो बहुत ही ज़्यादा मेजर होता। अब वो नाला एक है किनारे, अब नाले के ईटा है और उसके इसके घर के सामने गेट भी नहीं है, एकदम पूरा आपने खुद देखा होगा, आपने आपने वीडियो भी अपना वीडियो अपना ये बना के आए पूरा एकदम ऐसे है। गाड़ी अपनी मुड़ी है, वो बच्ची ऐसे ही टहलती रहती है, उसके वो 3-4 ऐसे लोग हैं। अब उसके पर ईटा गिरा है, क्या गिरा है उसका तो ये लोग को बोल रहे हैं। उसकी मौत हो गई है, ऐसा क्या हो सकता है? अगर गाड़ी नहीं चढ़ी तो ऐसा क्या हुआ कि बच्ची की जान चली गई? अब वहाँ पे नाला है इतना छोटा, वो छोटी सी बच्ची, वो अचानक वो किसी ईटे पे गिरी हो, क्या गिरी हो, अगर अगर टायर वो चढ़ा होता तो गाड़ी जरूर रुकती, जाहिर सी बात है भाई। कोई भी ड्राइवर है, कोई छोटी सी वो अपना गली है, आपने आपको शूट करके आएंगे, इंसान वो कितनी जल्दी क्यों भगाएंगे जाएगा। कार के ड्राइवर थे, उनके भाई हैं, इनका कहना है कि कार बच्ची पे नहीं चढ़ी है, बच्ची गिर के उसको चोट लगी है, वो एक्सपायर हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।